नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। टीवी जगत के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभा चुके एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। त्रिवेदी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था। आपको बता दें, अरविंद त्रिवेदी ने 5 अक्टूबर की रात को मुंबई में आखिरी सांस ली। अरविंद त्रिवेदी काफ़ी लंबी समय से बीमार चल रहे थे। 5 अक्टूबर की देर रात उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। बता दें, अरविंद त्रिवेदी का अंतिम संस्कार आज मुंबई के दहानापुर वाड़ी शमशान घाट में होगा। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन बीती रात हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी के निधन की पुष्टि उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने भी की है। अरविंद त्रिवेदी को सबसे ज़्यादा उनके द्वारा रामायण में निभाई गई रावण की भूमिका के लिए जाना जाता है। अरविंद त्रिवेदी ने रावण का इतना दमदार किरदार निभाया था कि उनके आगे बाकी सारे कलाकार टीवी पर आज भी फीके नजर आते हैं। वो कड़क आवाज और वो अकड़ चलने का अंदाज आज भी लोगों को खूब पसंद है। रामायण जब भी टीवी पर आती है तो दर्शक टकटकी लगाए अपने चहेते रावण को देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अरविंद त्रिवेदी का रावण वाला किरदार इतना लोकप्रिय था कि हर कोई अभिनेता की तरह इस किरदार को जीने की कोशिश करता आज भी रामलीला में नजर आता है। उन्होंने 300 से भी अधिक गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम किया और अनेकों गुजराती नाटकों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। बता दें, अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती रंगमंच से की। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी भी गुजराती सिनेमा का चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों में अरविंद त्रिवेदी को गुजराती दर्शकों में पहचान मिली, जहां उन्होंने 40 वर्षों तक योगदान दिया। उन्होंने शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गौरतलब है कि रामायण में रावण के अपने किरदार की कामयाबी के बाद अरविंद त्रिवेदी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया था। उन्होंने न सिर्फ गुजरात के साराबाग कांट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बल्कि रावण के पौराणिक किरदार की सफलता के बूते उन्होंने चुनाव भी जीता। वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के सांसद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।